जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशुभ योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों 13 तारीख की पूर्णमासी है और 14 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस बार आषाढ़ पूर्णमासी पर बहुत बड़ा शुभ योग बन रहा है। ग्रहण की इतनी अच्छी स्थिति है कि लगभग 7 राशियां इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है, पूर्णमासी के दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है और पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने संकल्प पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। पूर्णमासी के दिन सुबह स्नान करें, स्नान के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें, उसके बाद भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उसके बाद सालग्राम जी को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं पंचामृत से, उनको आसन पर विराजमान करें, उसके बाद में उनको वस्त्र पहनाएं और चंदन का टीका लगाएं। पीला चंदन का टीका भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं, दीपक जलाने के बाद में भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में एक चीज का ध्यान रखें, इस दिन केले के पत्ते भगवान के पास जरूर रखें और केले का फल भगवान को जरूर अर्पण करें। केले का फल और शहद और गाय का घी, ये चीजें पंचामृत के साथ भगवान के सामने अर्पण करें। तुलसी पत्र भगवान के सामने अर्पण करें। भगवान के सामने संकल्प करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मनोकामना पूरी हो, इस प्रकार कहते हुए भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करते हैं और सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर शाम के समय भगवान के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला की परिक्रमा करें, बड़ वृक्ष के नीचे दीपक जला की परिक्रमा करें, भगवान शिव के सामने दीपक जलाने चाहिए, इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन चावल के दान का विशेष महत्व होता है, भगवान की पूजा में भी चावल का प्रयोग करना चाहिए। खीर बना करके शिव जी को अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं और आप भी प्रसाद के रूप में खाएं। इस दिन मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, ये राशियां इस दिन बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है, काफी सालों के बाद में बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है। तो इस दिन आप भगवान की पूजा जरूर करें, भगवान के सामने संकल्प करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और भगवान के आशीर्वाद से आपको विशेष लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।